तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुनगावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। प्रेम से बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोलो अपने अपने गुरु माता पिता की जय। ग्राम की देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व वंदनीय भारत माता जेकर कलोतिन दलौरिन छत्तीसगढ़ महतारी, जेकर पुण्य धरा धाम बसाए ये पवित्र धरा धाम बघमरा, यहाँ जम्मो देवी शक्ति स्वरूपा परमाता बहन मल्ला, देव समान नौजवान बुद्धिमान मोर भाई मल्ला, धीर धरिया विचार क्रांति करिया सन्मार्ग भतिया सियांग दादा मल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम स्वरूप मुन्ना नहीं नानी बहनी भाई मल्ला, और तुलसी मानस प्रतिष्ठान ब्लॉक इकाई खैरागढ़ के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सदस्य मन आजीवन सदस्य, बाहर ग्राम से पधारे हुए राम कथा के रसिक सज्जन बीन माता बहन, आप सबो के पावन चरण में संगम मानस प्यार ग्राम बलदेवपुर की ओर से कोटि कोटि सात दंडवत प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो, आओ मानस प्रेमी से मिलो। आज आपके पुण्य धरा धाम में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन बेला में एक दिवसीय मानस संगोष्ठी के आयोजन हो है, और ए बार ये संगोष्ठी में एक नया रूप देखे पर मिला था। पहली संगोष्ठी हो तो अलग अलग वक्ता अलग अलग बजिया अलग अलग गवैया रहा, लेकिन देखे अलग अलग गवैया है अलग अलग बजिया, गवैया का गात है बजैया समझ में आया, बजैया बजाता गवैया समझ में आया, तो ये बार थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करेगी। और कथे भैया वक्ता गायन चयन करते तब बजैया मन गाँव थे बबरम मतलब मौका नहीं मिले, तो यही बहाना कम से कम अहू मन जुड़ा है, अब ये मानस जोड़े के काम करते। तो आओ आज हम सब अपन अपन मंडली के सहित बैठे हैं, और आप सबके चरण में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए मैं बैठे तेन दूसरा मंडली हर और आयोजक समिति मन कहे है कि पहली बैठी तेन बाल कांड के ऊपर चर्चा करी, दूसरैया बैठी तेन अयोध्या, तीसरैया अरण्य, चौथा किष्किंधा, और पांचे ठन है पांचवा नंबर में सुंदर कर तमोर बाटम आ है अयोध्या का है ना, और कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि सब संता, और श्रोता भक्ता ज्ञान यदि कथा राम के। तो मति के अनुसार आप सबके बीच में तुटी सोपान अयोध्या कांड के चर्चा करे पर जावत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस ला सात कांड में लिख के रखे हैं, बाल कांड एक, अयोध्या कांड दो, अरण्य कांड तीन, किष्किंधा कांड चार, सुंदर कांड पांच, लंका कांड छह, और उत्तर कांड सात। अगर भगवान के श्री विग्रह करके देखा जाए तो बाल कांड भगवान के चरण करता है, अयोध्या कांड ला भगवान के कमर करता है, अरण्य कांड ला भगवान के उदर बता है, किष्किंधा कांड ला भगवान के वक्ष, और सुंदर कांड ला भगवान के गला, और लंका कांड ला मुंह, और उत्तर कांड ला सिर बता है। तब मोला चर्चा करना है कमर में, बने कमल ला कस के बैठो, इसे कहते कहीं नहीं कहोगा बने तो याद बैठे काबर, एक कमर नहीं बाल है भैया है ना, है ना। तो अभी पूर्ववक्ता बतावत इस पूर्व मंडली है राम जन्म की सुंदर कथा है ना, भगवान मां के जन्म हो गए, विश्वामित्र जी महाराज है कौन, राम लक्ष्मण ला मांग के लेकिन यज्ञ के रक्षा करे खातिर बन, और जनकपुर में जाकर के इंकर मन के आज स्वयंवर हुई, चारों भाई मन के विवाह हुई, चार जन बहू आ गए, माता पिता का चाहिए बेटा बहू आगे एकदम निश्चिंत हो जाते थे, महाराज दशरथ जो है आज चारों जन बेटा के बहू आगे और निश्चिंत होकर के सुख पूर्वक राज करते। जब थे राम ब्याह कर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूदर भारी सुकृत मेघ बरस सुख बारी, जैसे पानी बरसते बादल विष्णु राजा दशरथ घर सुख के वर्षा हुआ थे, एक दिन के बाद है ना, महाराज दशरथ जो है राज दरबार में बैठे रहे, एक समय सब सहित समाज राज सभा रघुराज विराजा, महाराज दशरथ राज सभा में बैठे हैं, और राज सभा में बैठे रहे हैं जन मंत्री कथे, अरे जात रे मंत्री एक ठन दर्पण लावे कथे,
सब जनक बका के राजा दशरथ आते भरे सभा में ये दर्पण लगाए कर और भरे सभा में दर्पण के का काम है नहीं और दर्पण कोनोल देखे पर होते ना तो इसने चार जन के बीच में ऐसे बैठ के दर्पण नहीं देखते और अभी तक कोनो देखे हो बता दे और अभी तक कोनो मान लो जाए पर मरम रामायण होते रामायण सुनने लायक कोनो एक आजन दर्पण धर के आवे हो तो हाथ खड़ा कर दे है नहीं ये सभा में दर्पण नहीं देखे जाए बल्कि दर्पण कहाँ देखते बहनी अभी आप लोग सब सिंगार करके आ है ना तो कुरिया भीतरी दर्पण देखे हो है नहीं देखा टिकली बने लगे है काजल बने लगे लिपस्टिक बने लगे है और कोनो माथा खानो टिकली केड़गा हो के था वो देखे या नहीं करते आई तोर मुहूर्त बने दर्पण में नहीं देखे कावो कैसे माथा टिकली केड़गा हो गए काजल छर राग है ऐसे कथे तो ये दर्पण ला घरे देखे जाते तब विचार कर समाज में दर्पण के का काम सजनों वास्तव में दर्पण देखना मतलब आत्मनिरीक्षण करना और हमर आप सबके जीवन में दो ठन दर्पण है एक ठन दर्पण कौन जिन कांच के बने हुए जिला समतल दर्पण जिमे जैसे दिखबे ना वैसे वो दर्पण देखा थे लेकिन खरा करके जिला के दर्पण में देखा था तेन वो पानी रहा और जिन्हें पार है तेन हाँ थोड़ा दिखने वाला नहीं है और ऐसे बात है दर्पण में तय अपन चेहरा देखे ना तो तोरे चेहरा दिखती ऐसे तो नहीं है चल जा मैं मोर चेहरा देखे पर दर्पण धरे उस बगल वाले चेहरा दिख कैसे कहे पर और दर्पण मतलब दर्पण दो प्रकार एक दिन दर्पण अभी सब देखा था ना ये मानस दर्पण तो मानस दर्पण का देखा थे भाई आदमी के अंदर में जब का कमजोरी है ना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार के ये दाग लगे तिला देखना है तो ये मानस दर्पण चेहरा देखना है तो कांच के दर्पण लेकिन याद रखना बहन ये मानस दर्पण जीवन में राम जगा थे और कांच के दर्पण जीवन में काम जगा थे कैसे ढंग ले कोनो बहनी है अच्छा ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर ले निकल के आए मोला दुश्मनी नहीं है काकरो दादा है नहीं जेखर आंखी बिरौनी घलो धागम बने है ना और दर्पण के आगुन खड़ा होकर तहन देख गोठियावत कौन है वो दर्पण मोले सुंदर कोनोच नहीं है वो हमारा भर में कौन कहा थे वो दर्पण कहा तो दर्पण है ना आदमी के जीवन में काम जगाते और मानस दर्पण जीवन में राम जगाते सजनों वास्तव में एक बहिरंग दर्पण और एक अंतरंग दर्पण।